आज हम लोग सीखेंगे कंप्रेसर मोटर में कामर रनिंग स्टार्टिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं, यानी फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग। देखिए कंप्रेसर से संबंधित पूरा कंप्लीट सीखेंगे, इसकी वायरिंग भी सीखेंगे, इसको चलाना भी समझेंगे, इसको डायरेक्ट चालू कैसे कर सकते हैं, रिले लगा के चालू कैसे कर सकते हैं। तो इस कंप्रेसर मोटर के बारे में हम पूरा समझेंगे, इसके इलेक्ट्रिक भागों के। कंप्रेसर मोटर देखिए एक ऐसा भाग है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ उसके इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में समझेंगे कि कंप्रेसर मोटर को हम कैसे डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कामन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। ये सबसे पहले हम कंप्रेसर मोटर से आपसे परिचय करवाते हैं कि ये कंप्रेसर मोटर है जो फ्रिज या एसी में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य ये होता है कि गैस को, देखिए इसमें तीन लाइनें होती हैं, एक का नाम होता है सक्शन लाइन, जैसा हमने SCL लिखा है, मतलब सक्शन लाइन, और एक का नाम है डिस्चार्ज लाइन और एक का नाम है चार्जिंग लाइन। तीन लाइनें हैं। जब हम इस कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे, ऑन करेंगे ना, ये गैस को सक्शन लाइन से करता क्या खींचता है। कंप्रेसर मोटर का कार्य ही होता है कि गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा तो डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर कर देता है। कंप्रेसर का कार्य गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंक देना होता है, ये कंप्रेसर का कार्य है। और ये जो चार्जिंग लाइन होती है ना, ये तो होती है हमेशा बंद, जब गैस चार्ज कर लेते हैं ना ये हमेशा बंद रहती है। इसका प्रयोग केवल गैस या ऑयल चार्ज करते समय किया जाता है, बाकी समय ये हमेशा बंद रहती है। अब देखिए ये कंप्रेसर मोटर को हमें चलाना है, इसको चालू करना है, तो अगर हम डायरेक्ट चालू करना चाहते हैं तो देखिए जब भी हम कोई भी उपकरण चलाते हैं, लाइट से चलाते हैं, 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से जब चलाते हैं तो हमें दो तार पहले मिलता है जिसमें एक न्यूट्रल और एक फेस मिलता है। ये जो न्यूट्रल और फेस होता है, अगर हमें इस कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट चालू करना है, डायरेक्ट अगर इसको ऑन करना है, तो न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट हम कंप्रेसर मोटर के कामन में दे सकते हैं। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट कंप्रेसर मोटर के कामन में और फेस का डायरेक्ट कंप्रेसर मोटर के रनिंग में जोड़ेंगे, और रनिंग से स्टार्टिंग में एक अलग से तार लेंगे और रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारेंगे, और जैसे ही शॉट मारेंगे ये कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और जब स्टार्ट हो जाए तो फिर से हम इस तार को हटा लेते हैं। समझिए, न्यूट्रल को डायरेक्ट कामन में, फेस को डायरेक्ट रनिंग में, और रनिंग से स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट एक तार लेके शॉट मारेंगे और ये कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाता है। इसमें कैपेसिटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो जो हमारा तरीका है, ये कंप्रेसर मोटर को डायरेक्ट चालू करने का तरीका। इस तरीके का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि अगर फ्रिज हमारी है, कोई खराबी हो चुकी है, वायरिंग में कहीं पे खराबी, हम फ्रिज को चला रहे चल नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमें कंप्रेसर को डायरेक्ट चला करके चेक करना चाहिए। और डायरेक्ट चला करके चेक करेंगे, अगर कंप्रेसर मोटर चल रहा है, डायरेक्ट चलाने पर अगर कंप्रेसर चल रहा है और पूरी वायरिंग के साथ कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो हमें उसके एक एक इलेक्ट्रिक भागों को चेक करना पड़ता है, जैसे रिले, OLP, थर्मोस्टेट, ये जो पार्ट है इनको हमें बारी बारी से चेक करना पड़ता है, और जो खराबी भाग होगा उसको निकाल करके हम नया प्रयोग करेंगे। तो जो डायरेक्ट चेक करने का तरीका है वो ये है कि डायरेक्ट न्यूट्रल को कामन में और फेस को रनिंग में और रनिंग से स्टार्टिंग में एक तार लेके शॉट मारेंगे तो कंप्रेसर मोटर जो हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात रही कि हमें पता कैसे चलेगा कि कामन कौन है और रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। देखिए ये जो कामन, रनिंग और स्टार्टिंग की पॉइंट है ना, ये कंप्रेसर मोटर पे लिखा नहीं होता है कि कौन सा कामन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। उसके अंदर बस तीन पिनें होती हैं और हमें उसमें देखना पड़ता है कामन, रनिंग, स्टार्टिंग। जैसे कि न्यूट्रल को कामन में देना है ना, तो देखना पड़ता है, तो इसमें बस ऐसे तीन पिनें बनी होती हैं। अब तीन पिनों के बाद हमें कैसे चेक करेंगे, इसमें देखिए क्या करेंगे, हमें चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। वो जो मल्टीमीटर है ना, देखिए कुछ इस प्रकार से मल्टीमीटर हमारा है, ये चेक करने के लिए हमें इस डिजिटल मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के द्वारा हम चेक करेंगे कि कामन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, तीनों हम इसी से चेक करेंगे। तो इसको हम ऑन करेंगे ऐसे पोजिशन पे, देखिए सबसे पहले इसको ऑन करने की बताएं, इसका सबसे पॉइंट ऐसे ऑफ होता है और इसको सबसे नीचे अगर घुमा के उल्टा कर लेंगे और उसके एक पॉइंट पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट होती है, इसी पर इसको ऑन करना है। अगर आप ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे जब ऑन कर लेते हैं ना, तो इसके जो दोनों पॉइंट के तार होते हैं, अगर इन दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे तो इससे एक आवाज आती है टिंग की, इससे एक स्पीकर की आवाज आती है। तो समझिए सही जगह पे ऑन है, आवाज भी केवल वही एक ही पॉइंट पे आती है। तो इसी मल्टीमीटर से हमें चेक करना है, और चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो ये हमारी तीन पिने हैं और मल्टीमीटर के द्वारा इसको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा मल्टीमीटर, जैसे देखिए अगर हम चित्र में समझाएं आपको,
तो जैसे कि ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर इस प्रकार से मान लीजिए, और मल्टीमीटर में ऐसे डिस्प्ले, डिस्प्ले वगैरह के बाद यहाँ से हमारे देखिए ऑन ऑफ करने वाला पॉइंटर है। यहाँ से हम जब दो तार लेके जाते हैं, इसी से हम चेक करना आपको समझाते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों तारों से ले जा करके और इन तीनों पिनों को हमें बारी बारी से चेक करना है। बारी बारी से चेक करने का मतलब समझिए, सबसे पहले तीनों पिनों को हम कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई ए, कोई बी, कोई सी, या किसी को एक्स वाई जेड या राम श्याम घन श्याम जो मर्जी हो इसको कुछ मान लेते हैं। तो माना हमने जैसे कि ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, तीनों पिनों को मान लिया, क्योंकि हमें देखिए कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कंफर्म नहीं है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करने का मतलब ये होता है दाहिने बाएं, ऐसा नहीं कि नहीं कॉमन वाला ऊपर होता है रनिंग वाला दाहिने होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पिन किसी भी साइड में हो सकती है, तो कंफर्म करना जरूरी है। तो चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर के एक तार को किसी एक पर रखेंगे और दूसरे तार को किसी दूसरे पर रखेंगे, एक को किसी एक पर और दूसरे को किसी दूसरे पर रखेंगे और चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ए और बी पर रखा, यानी कि ए प्लस बी, जब हम ए प्लस बी पर रखें तो इस डिस्प्ले में यहाँ पे कुछ नंबर दिखाएगा, कुछ भी नंबर दिखा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर दिखा दिया 20, यानी हमने ए प्लस बी को चेक किया तो डिस्प्ले में 20 दिखाया और हमने 20 को नोट कर लिया, यहाँ पर सेव कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, करना यह होगा कि यहाँ से हमने मान लीजिए बी पर से उठा करके और उसको हम सी पर रख देते हैं, यानी ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी, और जब हम ए प्लस सी को चेक किए तो अभी इसके डिस्प्ले में कुछ नंबर दिखाएगा ना, वो जो नंबर डिस्प्ले में दिखाएगा ए प्लस सी चेक करने के बाद जो नंबर दिखाएगा वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहां पर जो नंबर दिखाया वो हो गया 25, यानी A प्लस बी को हमने चेक किया तो 20 दिखाया और A से C को चेक किया हमने तो 25 दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, A से उठा करके इसको B पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा B प्लस सी, देखिए B प्लस सी, और जब हम बी और सी को चेक करते हैं तो भी इसके अंदर कुछ नंबर दिखाएगा और वो नंबर मान लीजिए कि कुछ और दिखा दिया, मान लीजिए कि 28 दिखा दिया। और इस प्रकार से हम तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे और तीनों का नंबर नोट कर लेंगे, तीनों का पॉइंट नोट कर लेंगे, और जब हमें ये पॉइंट अगर क्लियर मिल गया तो अब हम इसी पॉइंट के हिसाब से इसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग तीनों कंफर्म कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 20 आया, ए से बी को चेक किया 20 आया, ए से सी को चेक किया 25 आया और बी से सी को चेक किया 28 आया। तीनों पिनों को हमने बारी बारी से चेक किया और सबका मान नोट कर दिया। अब हमें करना क्या होगा, देखिए मल्टीमीटर से चेक करने का नियम क्या है कि सर्वप्रथम मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिन दो पिनों का मान सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक संख्या, अब इसमें देखना है आपको कि सबसे बड़ी संख्या इसमें है कौन, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए क्या, यहां 20 है, 25 है और 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 28 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 28 है। तो ये जो 28 संख्या है ना, इसके सामने अब हमें देखना है कि है कौन कौन, इसके सामने कौन कौन है, B है और C है, इसके सामने B और C। तो इसका नियम ये है कि सबसे पहले मल्टीमीटर के दोनों तारों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी, यानी कि सबसे पहले तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे और जिसका मान सबसे ज्यादा होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा मान है बी और सी, यानी बी और सी मिलकर के सबसे ज्यादा मान आ रहा है, यानी बी और सी को अगर हम छोड़ देते हैं इसके अलावा जो अकेला बचता है वही कॉमन है, यानी इसमें ए कॉमन है, कंफर्म समझ पा रहे हैं, इसमें एक कॉमन कैसे, यानी मल्टीमीटर से फैन के तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिन दो तारों का मान सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा होगा उसके साथ जो पिने होंगी उन दोनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी, यानी सबसे ज्यादा मान है यहां पर 28 और उसके साथ जो पिने बी है और सी है, तो बी और सी को छोड़ देंगे तो जो बचेगा तीसरा एक अकेला, बी और सी को छोड़ देंगे जो इसमें ए बचा, ए बचा तो वही कॉमन है, यानी जो बचा वो कॉमन है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर बचा हुआ तीसरा कॉमन होने का मतलब ये नहीं कि नहीं सबसे छोटी वाली कॉमन होगी, ऐसा भी नहीं है, छोटी का अगर नाम लिए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बस हमें बड़ी देखना है, बड़ी के साथ है कौन कौन ये देखना है और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए, अब हमें कंफर्म करना है इसमें कि रनिंग और स्टार्टिंग कौन है, ये भी तो कंफर्म करना है ना, कि एक तो हमें पता चल गया कि हाँ ये वाला हमारा कॉमन है, अब बात है इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कौन है। तो रनिंग और स्टार्टिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं जानते हैं, नॉर्मल अगर तरीके से बात करें तो बस एक तार को इसमें कॉमन पे रखना है, मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के कॉमन पे रख लेंगे और दूसरा जो तार है उसके द्वारा इन दोनों पिनों पे बारी बारी से चेक करेंगे, जो जिन दोनों का मान अभी नहीं पता है, यानी इतना तो पता है ना कि इसमें एक रनिंग है एक स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है ये नहीं पता, तो हमें इसे चेक करना होगा, इन दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे, जिसका मान अधिक बताएगा वो स्टार्टिंग का होगा और जिसका मान कम बताएगा वो रनिंग का होगा। जिसका मान अधिक बताएगा यानी एक तार को हम यहां पे कॉमन पे रखेंगे और दूसरे से दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे, तो इस अवस्था में जिस पिन का मान अधिक बताएगा वो स्टार्टिंग का होगा और जिस पिन का मान कम बताएगा वो रनिंग का होगा। अब आपको बताएं स्टार्टिंग में अधिक क्यों बताता है, देखिए किसी भी मोटर की जब हम बाइंडिंग करते हैं, किसी भी मोटर चाहे वो सीलिंग फैन टेबल फैन फराटा फैन कोई भी मोटर हो, जब हम उसकी बाइंडिंग करते हैं ना तो रनिंग में टर्न की संख्या कम बढ़ते हैं जबकि स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक बढ़ते हैं। तो ये स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होने के कारण स्टार्टिंग पे अधिक बताता है और रनिंग में टर्न की संख्या कम होने की वजह से रनिंग में कम बताता है। आप यहां से भी देख सकते हैं किसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, कॉमन तो हमें कंफर्म हुआ ना, रनिंग और स्टार्टिंग की बात है तो देखिए ए से बी को चेक करना है, ए से सी को चेक करना है, यहाँ पे चेक है, देखिए ए से बी को हमने चेक किया है तो यहाँ पर जो मान आया वो 20 आया है और ए से सी को चेक किया हमने यहाँ पर मान आया है 25। तो इसमें देखिए ये जो सी वाला है ये 25 है यानी ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग का, जो ज्यादा होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग का और जो हमारा कम होता है वो होता है रनिंग का। तो इस प्रकार से रनिंग और स्टार्टिंग यानी कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग हम आसानी से चेक सकते हैं। देखिए अगर इस अवस्था में मोटर किसी अवस्था में जल चुका है तो ये जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बताएगा, ये जो नंबर है वो नहीं बताएगा। देखिए कुछ लोग अगर इसको मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं कंप्रेसर मोटर के पिनों पे जब आप इसको रखते हैं ना तो ये नंबर हमेशा घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। तो ये नंबर को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो इसको हाथ से ऐसे लगा करके और कंप्रेसर के पिन पे डायरेक्ट टच करवाइए और पूरा बढ़िया से इसको टच करवाइए। ऐसे देखिए ऐसे अगर दूर से रखने में क्या होता है ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको बढ़िया तरीके से टच करवाएंगे तब जाकर के फिक्स नंबर आपको मिल पाएगा कि हाँ किस पिन पर कितना मान बता रहा है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, डायरेक्ट चला के देख सकते हैं। तो अगर कंप्रेसर से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए।